आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जून में रिलीज होने वाली सबसे बेस्ट मूवीज एंड सीरीज की बात करेंगे और कुछ नॉन बेस्ट सीरीज की भी बात करने वाले हैं जो कि इसी महीने रिलीज होने वाली है, जिसमें सबसे पहली द एकोलाइट और मैं इसी सीरीज की बात कर रहा हूं जो कि अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैंने इसको देखा नहीं है लेकिन इसकी रेटिंग सिर्फ 4.7 है और 14,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है। ये स्टार वॉर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है हिंदी लैंग्वेज में भी, बट ये देखने लायक नहीं है क्योंकि इसकी रेटिंग काफी कम है। नेक्स्ट सीरीज है स्वीट टूथ, जिसका सीजन 3 रिलीज हो चुका है। जिन लोगों ने सीजन 1 और 2 देखा उन लोगों को सीरीज काफी पसंद आई थी और वो लोग डेफिनेटली इसके सीजन 3 के लिए वेट कर रहे होंगे। तो फाइनली ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट मूवी हिटमैन, जो कि एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है और ये मूवी भी रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर 7 जून को। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक फेक हिटमैन की, जो कि पुलिस के लिए मतलब एक आदमी पुलिस के लिए फेक हिटमैन एक गोली मारने वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने का नाटक करता है, बट इसके लाइफ में समस्या उस समय खड़ी हो जाती है जब ये एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। तो आगे क्या होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इसकी रेटिंग्स काफी अच्छी है, 7.4 की इसको रेटिंग मिली है जो कि इनिशियल रेटिंग है, तो डेफिनेटली मूवी काफी अच्छी होगी और जल्दी मैं इसका रिव्यू भी लेके आऊंगा अपने चैनल पे। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट मूवी है बैड बॉयज राइड और डाई। ये मूवी भी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और बैड बॉयज सीरीज का आई थिंक 4th या 5th पार्ट है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक 4th पार्ट ये है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, जिनको पता लगता है कि उनके कैप्टन को करप्शन के चार्जेस पे अरेस्ट किया जाने वाला, बट उनको एक वीडियो मिलता है जिसके अंदर उनको पता लगता है कि उनके कैप्टन मर चुके हैं। तो आखिर किसने फंसाया है कैप्टन को, वो हमारे हीरोज को पता लगाना और इनकी खुद की जान भी इस बार खतरे में है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। नेक्स्ट मूवी है द वॉचर, जो कि एक फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक यंग लड़की की जो कि एक जंगल के अंदर अपनी कार लेके जा रही होती है, बट अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है कुछ एबनॉर्मल चीजों की वजह से और वहां से वो पहुंच जाती है एक ऐसी जगह पर जहां पे आए दिन रात में एक मॉन्स्टर आता और लोगों का शिकार करता और इसके पास कोई भी रास्ता नहीं कि ये इस जगह से बच के भाग सके। तो ये कहां फंसी है, क्या कुछ होता है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी 14 जून को थिएटर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी। नेक्स्ट सीरीज है प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है जो कि एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज होगी 12 जून को। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसके ऊपर ये आरोप लग जाता है कि उसने एक लड़की का मर्डर किया है, जबकि वो कह रहा है कि उसने इस लड़की का मर्डर नहीं किया है। तो एट द एंड क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। और एप्पल टीवी प्लस की सीरीज अक्सर अच्छी होती है तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सीरीज भी काफी अच्छी होगी। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी एप्पल टीवी प्लस पर। नेक्स्ट सीरीज है आपकी और मेरी सबकी फेवरेट द बॉयज सीजन 4, जिसका वेट मैं बहुत समय से कर रहा था और फाइनली इसका सीजन 4 इसी महीने रिलीज होने वाला है 13 जून को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर। नेक्स्ट मूवी इनसाइड आउट 2, जो कि एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी और इसका पार्ट 1 यानी इनसाइड आउट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए अब इसका पार्ट 2 आ रहा है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं 14 जून को इंग्लिश लैंग्वेज में थिएटर्स में, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी हिंदी ट्रेलर नहीं आया है। नेक्स्ट सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2, जिसका वेट बहुत सारे लोग काफी समय से कर रहे होंगे, जैसे द बॉयज का कर रहे थे वैसे इसका भी कर रहे होंगे और अब फाइनली ये हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर रिलीज होगा 17 जून को। नेक्स्ट मूवी द बाइक राइडर, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और ये मूवी पिछले साल बनी थी, बट ये मूवी इस साल इस महीने 21 जून को रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि टॉम हार्डी, एस्टन बटलर, जोडी कॉमर और भी बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको एक बाइक राइडर्स के ग्रुप की या कहें गैंग की कहानी देखने को मिलेगी और कहानी सेट 1965 में। इस मूवी का ट्रेलर देख के मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बट ये मूवी अभी तक हिंदी लैंग्वेज में आएगी या नहीं आएगी ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ 21 जून को डेफिनेटली थिएटर्स में रिलीज होगी। इस मूवी को इनिशियल रेटिंग 7.5 की मिली है। नेक्स्ट मूवी है कल्कि 2898 AD। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसके बारे में हर कोई जानता होगा और ये हमारी लिस्ट के अंदर इसलिए इंक्लूड है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मूवी है, ये पूरी दुनिया में कई जगह रिलीज होने वाली, इसीलिए ये इस लिस्ट के अंदर एडेड है। इस मूवी के अंदर हमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि की कहानी देखने को मिलेगी और साथ में 7 चिरंजीवी जो कि आदि काल से जीवित हैं, जिसमें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी शामिल हैं, उनका ग्लिम्स तो आपने देखा ही होगा, वो सब लोग देखने को मिलेंगे और ये मूवी कई पार्ट्स में आने वाली है। ये मूवी 27 जून को रिलीज होगी और मैं तो इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लास्ट मूवी है क्वाइट प्लेस डे 1, जो कि एक ड्रामा हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें क्वाइट प्लेस की सारी कहानी पता लगेगी कि आखिर पहले दिन हुआ क्या था। हमें ये तो पता है कि एलियंस या अजीब से प्राणी पृथ्वी पर आए थे जो कि आवाज को सुन के लोगों को मार देते हैं, बट वो आए कहां से थे वो हमें इस मूवी के अंदर पता लगेगा, जो मूवी 28 जून को रिलीज होगी थिएटर्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।